देवी, फिर उस युद्ध का परिणाम क्या हुआ? जब अपने अपने क्षेत्र के दो शक्तिमान युद्ध में आमने सामने हो तो परिणाम इतना शीघ्र कैसे आता? युद्ध चलता रहा, समय बीतता रहा और बीतते बीतते समय की सुई उस एक निर्णायक घड़ी के पास आकर रुक गई, जिस एक घड़ी में सम्राट विक्रमादित्य को रोकना था राहु को और बचाना था खंडित होने से पुष्य नक्षत्र को। देवी, वो निर्णायक घड़ी क्या थी और उस एक घड़ी में क्यों रोकना था सम्राट को राहु को? वो एक घड़ी महत्वपूर्ण इसलिए थी राजन, क्योंकि यदि उस एक घड़ी में सम्राट विक्रमादित्य राहु को आगे बढ़ने से रोक लेते तो पुष्य नक्षत्र राहु के निशाने से दूर अपने मार्ग पर आगे बढ़ जाता और खंडित होने से सदा सदा के लिए बच जाता। हम किसी भी मूल्य पर इस संसार का विनाश नहीं होने देंगे। परम पिता परमात्मा राहु देव के इस हट ने वनस्पति से लेकर जीव जंतुओं के जीवन के अस्तित्व को संकट में डाल दिया। हमें आशीर्वाद दीजिए कि राहु देव के इस हट धर्म को पराजित कर हम इस विनाश लीला को रोक सके। आशीर्वाद दीजिए हमेशा। ऐसी शक्ति है जिसे हमारा वाहन और हम भेद नहीं पा रहे। और इस प्रकार चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य ने एक साथ अपनी सारी शक्तियों का प्रयोग कर राहु को रोक दिया और वो घड़ी टल गई, जिस घड़ी में राहु पुष्य नक्षत्र को खंडित कर सकता था। नहीं! बादल हट गए, अर्थात चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य ने राहु को रोकने में सफलता प्राप्त कर ली। महारानी जी, महारानी जी, होश में आइए, आंखें खोलिए। महारानी जी, साक्षी बनिए चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य की सफलता का। संसार से संकट टल गया। महारानी जी, सम्राट विक्रमादित्य ने राहु के कोप से पुष्य नक्षत्र को बचा लिया है। सम्राट की देवी, मुझे लगता है कि अब बेताल को सामान्य कर देना चाहिए। देखिए ना, कितने व्याकुल और परेशान हो रहे हैं। सम्राट विक्रमादित्य की जय।
देवी जय लक्ष्मी की भी जय। अच्छा देवी, फिर क्या हुआ? राजन, सम्राट विक्रमादित्य और राहु के बीच का युद्ध चलता रहा और इस युद्ध में एक घड़ी ऐसी आई जब असंभव है मुझे रोकना, असंभव। तुम नहीं जानते तुमने क्या किया है विक्रमादित्य। भली भांति जानते हैं राहु देव। जानते तो तुम राहु से शत्रुता मोल लेने का दुस्साहस नहीं करते। हमने आपसे शत्रुता नहीं, पृथ्वी वासियों से मित्रता निभाई है, उनके जीवन की सुरक्षा करके। तो अब तुम्हारी मित्रता तुम्हारी मृत्यु बनेगी। मृत्यु का भय नहीं है हमें राहु देव, क्योंकि हमने अपना उद्देश्य पूरा किया है। सफलता के बाद मृत्यु भी सुखदायी होती है। मुझे असफलता का रॉक सुनाकर स्वयं सफलता का शंखनाद करने वाला विक्रम, मैं तुम्हें ऐसा मारूंगा तुम स्वयं मुझसे मृत्यु की भीख मांगेगा। इंद्रदेव, ये क्या हो गया सम्राट विक्रमादित्य को? वो राहु का सामना क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि पराक्रमी सम्राट विक्रमादित्य की सारी शक्ति राहु को रोकने में ही नष्ट हो गई। अब उनके पास शक्ति बची ही नहीं है कि वो राहु का सामना कर सके। इंद्रदेव, हमें कुछ करना ही होगा, अन्यथा इस प्रकार तो राहु सम्राट विक्रमादित्य को मार देंगे। आपने सत्य कहा अग्निदेव। मेरे विचार से अब हमें ब्रह्मदेव को समाधि से जगाना चाहिए। केवल एक वही है जो सम्राट विक्रमादित्य को राहु के प्रकोप से बचा सकते हैं। रुक जाओ राहु, रुक जाओ राहु। नहीं ब्रह्मदेव, आज मैं नहीं रुकूंगा। ये मेरा शत्रु है, मेरे प्रतिशोध के मार्ग पे बाधक है। आज मैं इसे जीवित नहीं छोड़ूंगा ब्रह्मदेव। शांत राहु, शांत। क्रोध विनाश की अग्नि है, इसीलिए मैं अपने क्रोध की अग्नि में इसे जलाकर भस्म कर दूंगा। उससे क्या प्राप्त हो? शांति ब्रह्मदेव, सुख। आप नहीं जानते मैं कितना अशांत हूं। आपने मुझे देवत्व का स्थान दिया,
उसके बाद भी उस इंद्र ने मुझे अपने दरबार से निकाल दिया, अपमानित करके निकाल दिया ब्रह्मदेव। और अब इस विक्रमादित्य ने मेरे प्रतिशोध लेने का अवसर भी छीन लिया मुझसे। यह अपराधी है ब्रह्मदेव, बहुत बड़ा अपराधी, और उसका दंड केवल मृत्यु है। इसलिए आप बीच में मत आइए। ठीक ठीक, नहीं आऊंगा तुम्हारे बीच, तुम्हारे बीच, किंतु एक बात बताओ, एक बात बताओ, तुम्हारे इस क्रोध और प्रतिशोध का कारण क्या है? स्थान ही न स्थान, मैं तुम्हें ब्रह्मलोक में स्थान दूंगा। आज से मैं तुम्हें इसे ब्रह्मलोक का सभासद नियुक्त करता हूं। क्या? हाँ, आज से तुम ब्रह्मा के दरबारी कहलाओ। सत्य ब्रह्मदेव? हाँ रा, आज से तुम मेरे लोक में वास करो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद ब्रह्मदेव। चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य, मुझे क्षमा कीजिए। आज आपके कारण मुझे इतना बड़ा सम्मान मिला है। इस शुभ अवसर पर मैं आपको कुछ देना चाहता हूं। मेरा वरदान स्वीकार करें। अगर आप हमसे प्रसन्न हैं, तो वचन दीजिए कि आज के बाद पुष्य नक्षत्र को खंडित करने के लिए आप कभी भी शस्त्र नहीं उठाएंगे। मैं वचन देता हूं कि आज के बाद कभी भी राहु पुष्य नक्षत्र को खंडित नहीं करूंगा। तो देखा आपने, राजा भोज मेरा मित्र कितना अच्छा था, उसने राहु को क्षमा भी कर दिया। और फिर आपको पता है स्वयं ब्रह्मदेव ने क्या कहा? क्या कहा? उन्होंने कहा कि मेरे मित्र जैसा राजा, यानी सम्राट विक्रमादित्य जैसा राजा ना तो कोई हुआ है और ना होगा। बोलिए, है ना ये सत्य बात? एकदम सत्य बात है। देखा राजन, अब तो आपने खुद इस बात को स्वीकार कर लिया कि ये सत्य बात है, मतलब विवाद खत्म। तो अब आप इस सिंहासन को भूल जाइए। बेताल देवी, मैं तो बस यूं ही सोचती हूँ इस बार तुम्हें पत्थर की मूर्ति बना दूं। नहीं 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 नहीं, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं है, और मैं तो कुछ बोलूंगा भी नहीं, मैं तो यहाँ रहूंगा भी नहीं। नहीं नहीं, मैं यहाँ रहूंगा लेकिन यहाँ नहीं रहूंगा, यहाँ रहकर मैं वहाँ रहूंगा और कुछ नहीं बोलूंगा। राजन, उसके बाद राहु ने सम्राट विक्रमादित्य को उनकी खोई हुई शक्तियां वापस लौटा दी। सम्राट विक्रमादित्य की जय! सम्राट विक्रमादित्य की जय! सम्राट विक्रमादित्य की जय! पराक्रमी सम्राट विक्रमादित्य, ये कहना अनुचित नहीं होगा कि आपने अपने पराक्रम एवं वीरता से एक नए युग का आरंभ किया है। इसलिए हम सभी देव आपको ये आशीर्वाद देते हैं कि अब से आपके जन्म दिवस से एक नए युग का आरंभ होगा, जो विक्रम संवत के नाम से जाना जाएगा। और केवल इतना ही नहीं सम्राट, अब ज्योतिष और ग्रह नक्षत्रों की सारी गणनाएं भी विक्रम संवत के अनुसार ही की जाएंगी। इस सम्मान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देव। किंतु देवगणों, इस सम्मान के पीछे राहु देव का भी बहुत बड़ा योगदान है। यदि वो हमारे सामने चुनौती बनकर नहीं आते, तो ये सम्मान भी आसमान के तारे की तरह होता।
राजन, मैं इस सिंहासन में पराक्रम की रक्षिका जय लक्ष्मी आपको चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य के पराक्रम की कहानी सुना दी। अब मुझे आज्ञा दें। क्या हुआ राजन? प्रणाम देवी। खुद को पराक्रम के तराजू में तौलने का कर रहे हो प्रयास? या बिना प्रयास चले जाने में ही भलाई का कर रहे हैं आभास? देवी आप? हाँ मैं। विचारों के भंवर में उलझ गए? नहीं? क्या दुविधा है, सिंहासन को पाने की या खोने की? नहीं देवी, कोई दुविधा नहीं। तब उत्सुकता है बाकी के 31 गुणों को जानने की। सिंहासन तो इस सिंहासन के आधार यदि इरादा अटल हो तो उत्सुकता भी शांत हो जाएगी। किंतु उससे पहले एक प्रश्न है। अवश्य। आपने सम्राट विक्रमादित्य के पराक्रम की कहानी तो सुन ली जी, तो बताइए व्यक्ति की दो शक्तियों में कौन बड़ी है? कौन है सबसे शक्तिशाली, तन की शक्ति या मन की शक्ति? किस शक्ति धारक को आप कहेंगे सबसे भाग्यशाली? राजन, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। आप अपनी प्रजा का बड़ा अच्छा ख्याल रखते हैं। वाह 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 वाह। आप कहाँ इस सिंहासन और इन पुतलियों के चक्कर में पड़ गए? कहाँ इन प्रश्नोत्तर के खेल में आप अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं? अरे छोड़िए ये सब प्रश्नोत्तर का खेल, जाने दीजिए इस सिंहासन को। आप जाइए, जाकर आप अपना राजपाट संभालिए, प्रजा का ध्यान दीजिए। वैसे भी आप मेरे मित्र की बराबरी नहीं कर पाएंगे। बेटा, भले ही मैं तुम्हारे मित्र की बराबरी ना कर पाऊं, परंतु तुम्हारी प्रशंसा अवश्य करूंगा। तुम्हारा जैसा मित्र मिलना एक सौभाग्य की बात है। एक ऐसा मित्र जो अपने मित्र के विरुद्ध एक भी शब्द ना सुने, जो किसी और को उनकी बराबरी करने का मौका तक न दे। आप महान हैं, महान। मैं तो स्वभाव से ही ऐसा हूं राजन। मैं भी सोच रहा था कि आपकी प्रशंसा करूं। राजा भोज, अगर आप चतुर हैं तो मैं भी महा चतुर हूं। आप डाल डाल हैं तो मैं पात पात समझ जाता। मैं आपकी हर पात बात हूं। आप मेरी और मेरे मित्र की प्रशंसा करके उस सिंहासन तक पहुंचना चाहते हैं, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। ये क्या हो गया? भाग बेताल। कैसे हुआ? ये मैं कहां आ गया हूं? फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज।